my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये है हमारा पूरा गेमिंग सेटअप। यहाँ पर स्ट्रीमिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग सारा कुछ यहीं पर होता है हमारा। तो आइए आपको एक एक कर मैं बताता हूँ यहाँ पर कौन कौन से सामान मैं यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहला है हमारा कीबोर्ड, रेड ड्रैगन की तरफ से आने वाला K552 मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। ये मैकेनिकल है और इसमें बहुत सारे RGB मोड्स दिए हुए हैं जो कि बहुत ही मस्त लगते हैं और गेम खेलते टाइम बहुत ही अच्छा फील देते हैं ये की। उसी के साथ दूसरी चीज़ है हमारी Logitech की तरफ से आने वाला G402 गेमिंग माउस। थोड़ा पुराना है पर बहुत ही अच्छा चलता है। और तीसरा सबसे प्यारा चीज़ हमारा ये वो है JBL की तरफ से आने वाला CSUM10 माइक, जिससे कि आप मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हो और स्ट्रीम पर भी इसी से मेरी आवाज़ जाती है। उसके बाद आता है हमारा गेम साउंड सुनने के लिए हमारा हेडफोन, जो कि ये JBL की तरफ से Quantum 200। इसमें माइक दिया हुआ है जिससे कि आपको टीममेट को बहुत ही अच्छी आवाज़ आएगी। फिर है हमारा मोबाइल फ़ोन, उसे साइड में रख देते हैं। ये है हमारा लैपटॉप डेल की तरफ से आने वाला G3 i7 9th generation, और इसमें लगा हुआ है ग्राफिक्स कार्ड GTX 1650, जिससे हमारा सारा काम हो जाता है। इसके साथ मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है एक एसर की तरफ से आने वाला 165Hz वाला मॉनिटर। छोटे स्क्रीन पर देखने में मुझे दिक्कत हो रही थी तो मैंने बड़ा वाला लगा लिया। इस पर गेम खेलने का भी एक अलग समझ है, हालांकि मेरा लैपटॉप सारे गेम्स 165Hz पर नहीं चला सकता। उसके बाद आता है हमारा मेन कंपोनेंट, मेन पार्ट, iPad 6th generation। इसी पर मैं VGMI खेलता हूँ और स्ट्रीम करता हूँ। इसे रखने के लिए मैंने एक स्टैंड भी लिया हुआ है, अगर गेम खेलते टाइम आपको हाथ दर्द करे तो आप उस पर रख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर इतने सारे सामान आपने देखे पर मेन सामान जिसे स्ट्रीम करेंगे वो कहाँ है? वो हमने नीचे छुपा कर रखा हुआ है। सारे वायर हो जाते थे ऊपर में, थोड़ी परेशानी हो रही थी तो मैंने सारे वायर्स को लैपटॉप के पीछे से डालकर नीचे यहाँ पर रख दिया हुआ है। और यहाँ पर भी रखा हुआ है हमारा Elgato HD60S, जिससे हम लोग स्ट्रीम करते हैं। और यहाँ पर मैंने अपने टेबल पर एक मोबाइल फ़ोन भी रखा हुआ, एक कार भी रखा हुआ है जो कि एक कार नहीं बल्कि एक मोबाइल फ़ोन है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसे मैं हमेशा यहीं पर रखता हूँ। और उसके बाद हमारे सबसे प्यारी चीज़ जो कि हमारे टेबल पर है वो है हमारे गणपति बप्पा मोरिया, इनके बिना स्ट्रीम अधूरा है। तो ये थी हमारी पूरी गेमिंग सेटअप, कैसा लगा ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को कोई स्ट्रीमिंग में दिक्कत आ रही है, कोई सेटिंग सही से नहीं हो पा रही, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।